एमएलए है वो चुनने के लिए आप यहाँ पर पहुंचे हैं, किन मुद्दों को लेकर आज आप वोट कर रहे हैं? बेसिकली तो मैडम फैसिलिटी होनी चाहिए, यहाँ फैसिलिटी कोई नहीं है, वी आर आउटसाइडर, लेकिन यहाँ वोटर हूँ, यहाँ के हम, यहाँ काफ़ी अरसे से मैं देख रहा हूँ कोई डेवलपमेंट नहीं, कॉलोनियाँ बनी हुई हैं लेकिन ना तो रेगुलराइज किया गया, ना उनको पानी की व्यवस्था है, ना सड़कों की व्यवस्था है, जबकि हम इस गाँव में जब वोट डालने आए हैं वहाँ बड़ी फैसिलिटी है, अच्छा लगता है देख के, एक शहर में होके उसको रिकोगनाइज करके रजिस्ट्री से लोगों में पैसे लेके सरकार ने कुछ नहीं किया। जो सड़कें देख रहे हो आप गांव में बहुत बेस्ट है, लेकिन आप इस शहर में जाओ पीछे आंचल विहार में, अभी फ्लाई ओवर बना है, इतना बुरा हाल, 3-4 तो एक्सीडेंट हो चुके हैं वहाँ पे, और उस सड़क के अंदर लोग जो जहाँ रहते हैं बुजुर्ग रहते हैं, कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि कहीं घूम ले। बेसिकली तो वी आर बिलोंग टू शिमला, लेकिन हम वोटर यहाँ के हैं, रहने वाले यहाँ के, हमारा मकान है यहाँ पे, तो मैं सोचता हूँ कोई फैसिलिटी अभी तक किसी ने नहीं दी, लेकिन हमारा जो मुद्दा वोट तो हम डालते हैं, लेकिन वोट डालना भी चाहिए, अपना अधिकार है, इसलिए राइट है। जो भी एमएलए बने, मेरी तो हाथ जोड़ से हम्बल रिक्वेस्ट है उससे, जो तुम गांव में फैसिलिटी दे, ये कॉलोनी में फैसिलिटी, व्हाई शुड यू नॉट गिव द फैसिलिटी इन द कॉलोनी, व्हेन यू टेक द मनी फ्रॉम द पीपल फॉर रजिस्ट्रेशन फी, तो व्हाई शुड, दिस इज अ फ्रॉड होना चाहिए, चाहे कोई भी